दोस्तों, धर्म प्राचीन काल से अस्तित्व में है और समय के साथ इसका विकास हुआ है। धर्म का मतलब होता है सही काम करना और अपने कर्तव्य पथ पर चलना। यूं तो दुनिया में कई धर्म हैं और सभी धर्मों की संख्या लगभग 300 से ज्यादा होगी। दुनिया में सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, सिख, ईसाई आदि धर्म पाए जाते हैं। हर धर्म के अपने कुछ विशेष नियम और रीति रिवाज भी होते हैं। ऐसे में दोस्तों, चीन ने दुनिया भर के मुसलमानों को बड़ा झटका देते हुए देश भर में मस्जिदों को बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी। काफी लंबे समय से चीन इस प्रयास में था। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे इस्लाम पर प्रहार बताया है। अब तक किसी मुस्लिम देश ने चीन के इस कदम के खिलाफ कोई आवाज उठाने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। तो आज ऐसी ही एक और चर्चा हम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में। जी हाँ, सूडान इस्लाम पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन चुका है। देखें कि कैसे इस्लाम और उनके बब्बर शरिया कानून ने उत्पन्न खतरे पर दुनिया तेजी से काम कर रही है। अमेरिका और यूरोप में कई ईसाई जो मुसलमान बन गए थे वो घर वापसी कर रहे हैं, यानी वो फिर से ईसाई बन रहे हैं। जापान ने हमेशा मुसलमानों को अपने देश में स्थायी रूप से रहने से मना तक कर दिया और वो किसी भी अचल संपत्ति या किसी भी प्रकार व्यवसाय के मालिक नहीं है और इस्लाम की किसी भी पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसी भी मुस्लिम पर्यटक को इस्लाम धर्म का प्रचार करते हुए अगर पकड़ा गया तो दोस्तों उसे तुरंत ही पकड़ लिया जाएगा, जिसमें परिवार के सभी सदस्य शामिल हैं। क्यूबा ने पहली मस्जिद की योजना को खारिज कर दिया। जी हाँ, क्यूबा में मस्जिद का निर्माण हो रहा था लेकिन निर्माण की योजना को क्यूबा ने पहले ही खारिज कर दिया। अफ्रीकी देश अंगोला और कई अन्य देशों ने आधिकारिक तौर पर इस्लाम पर प्रतिबंध लगा दिया है। केवल इतना ही नहीं, अपराध से लड़ने के तरीके के रूप में नॉर्वे से मुसलमानों की रिकॉर्ड संख्या लगभग 2000 से अधिक को निकाल दिया गया। जब से इन मुस्लिम अपराधियों को निर्वासित किया गया है, अपराध में 72% की कमी आई है। जेल अधिकारी रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी जेल की लगभग आधी सेल अब खाली है। कोर्ट रूम लगभग पूरी तरीके से खाली है। पुलिस अब अन्य मामलों में शामिल होने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि अपराध की रेखा बिल्कुल नीचे आ गई है। कोई भी अपराध नहीं हो रहा और उनका राज्य सही तरीके से चल रहा है। अकेले जर्मनी में पिछले वर्ष में मस्जिदों को निशाना बनाते हुए 81 हिंसक हमले हुए थे। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया था जिनका जिहाद रिक्रूटर्स के नाम से नाम दर्ज है। एक चीनी अदालत ने इस्लाम घृणा फैलाने के लिए 22 मुस्लिम इमाम को 16 से 20 साल के लिए जेल भेज दिया और 18 जिहादियों को जीवन से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, चीन अलगाववाद के खिलाफ अभियान चला रहा है। इस्लामवादियों को अपना अलग राज्य चाहिए और आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार की इमारतों और स्कूल में मुस्लिम प्रार्थना पर प्रतिबंध लगा दिया है। सैकड़ों मुस्लिम परिवारों ने अपनी सुरक्षा के लिए चीन छोड़ने और अपने स्वयं के मध्य पूर्वी देशों में वापस लौट जाने के लिए वो लोग तैयार हो गए हैं। मुस्लिम शरणार्थियों का एहसास है कि उनके हिंसक तरीकों और सीरिया और इराक में जारी युद्धों के कारण उनका स्वागत नहीं किया जा रहा, जो कि छिपे हुए IS द्वारा मारे गए हैं, जो छोटे बच्चों की हत्या कर रहे हैं और माताओं और बेटियों को शारीरिक संबंध बनाने के लिए गुलाम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रिटिश गृह सचिव ने चरमपंथियों के लिए एंटी सोशल बिहेवियर ऑर्डर शुरू करने और उनकी नागरिकता के दोहरे नागरिकों को तैयार करने के लिए तैयार किया है। निर्वासन कानून भी तैयार किया जा रहा है। 6 गणराज्य ने अपने देश में इस्लाम को बुराई का रूप मान लिया है। कई अमेरिकी राज्यों में एक नया विवादास्पद संशोधन जो विदेशी कानूनों की मान्यता पर प्रतिबंध लगाएगा, जिसमें शरिया कानून शामिल होगा। मुस्लिम डिफेंस की लीग मुसलमानों के लिए चेतावनी जारी करता है। 16 राज्यों ने प्रतिबंध शरिया कानून के लिए सभी परिचय विधान प्रस्तुत किए हैं। उत्तरी आयरलैंड में कई मुसलमानों ने आयरिश स्थानीय लोगों द्वारा इस्लाम विरोधी हिंसा से बचने के लिए देश छोड़ने की घोषणा कर दी है। यहाँ तक कि अस्पताल के कर्मचारी भी पीड़ित मुस्लिम मरीजों के इलाज के लिए इच्छुक नहीं थे।
उत्तरी कैरोलिना राज इस्लाम में शरिया पर कानून लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। अब इसे एक आपराधिक अपराध के रूप में माना जाता है। नीदरलैंड के सभी मस्जिदों को हटाने के लिए डच सांसद बुलाते हैं। डच संसद के सदस्यों में एक ने कहा, हम इस्लाम को नीदरलैंड से साफ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नीदरलैंड की सभी मस्जिदें बंद हो जाएंगी। इस्लाम के बिना नीदरलैंड में रहने के लिए एक अद्भुत सुरक्षित देश होगा, जैसा कि मुस्लिम के आने से पहले हुआ करता था। दोस्तों, ये सारे संकेत दुनिया भर के कोने कोने से आए हैं और ये सब देखने के बाद, सुनने के बाद ये बात तो तय है कि इस्लाम मुसीबत में है। दोस्तों, बात करें चीन की, तो चीन ने दुनिया भर के मुसलमानों को अपने एक कदम से बड़े सदमे में डाल दिया। दरअसल चीन ने शिजियांग से लेकर अन्य शहरों में मस्जिदों को बंद कराने की कार्रवाई शुरू कर दी। चीन को इन मस्जिदों में संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दिए जाने का शक है। चीन के इस कदम से दुनिया भर के इस्लामिक देशों में खलबली सी मच गई। हालांकि कोई भी मुस्लिम या गैर मुस्लिम देश चीन के इस कदम के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा। चीन के सख्त एक्शन से दुनिया भर के मुसलमानों में हड़कंप मच गया। और अगर दोस्तों हम धर्मों की बात करें कि कौन सा धर्म किस तरह है और क्या है, तो आइए वो भी आपको बताते हैं। दुनिया के प्राथमिक धर्म दो श्रेणी में आते हैं, इब्राहिम धर्म जैसे ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और इस्लाम, और भारतीय धर्म जिसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और अन्य शामिल है। दुनिया के प्रमुख धर्मों में ईसाई धर्म दोस्तों सबसे बड़ा है, जिसके 2 अरब से अधिक अनुयायी हैं। ईसाई धर्म ईसा मसीह के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित है और लगभग 2000 वर्ष पुराना है। इसके सबसे बड़े समूह रोमन कैथोलिक चर्च, पूर्वी रूढ़िवादी चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च है, और इसका पवित्र पाठ बाइबल है। दूसरा सबसे व्यापक रूप से प्रचलित धर्म, जो कि दोस्तों इस समय खतरे में है, जिसकी दुनिया भर में अनुमानित 1.8 बिलियन अनुयायी हैं। इसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी ईस्वी में मक्का में हुई थी, ऐसा माना जाता है, और ये पैगंबर मोहम्मद द्वारा फैलाया गया है, जिन्हें इस्लाम के अनुयायी भगवान के अंतिम पैगंबर मानते हैं। इस्लाम कहता है कि ईश्वर की शिक्षाएं, जिन्हें अल्लाह के नाम से जाना जाता है, कुरान नामक पवित्र पुस्तक में लिखी गई थी, जो आस्था का आध्यात्मिक पाठ है। अधिकांश मुसलमान इस्लाम की 2 प्रमुख शाखाओं में से एक से संबंधित है। सुन्नियों में लगभग 80% मुसलमान शामिल है और शिया में लगभग 15% शामिल है। शेख शाखाएं छोटे संप्रदायों की है। अब दोस्तों, अनुमानित 1 अरब अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है और सबसे पुराने धर्मों में से एक। इसकी मान्यताओं और प्रथाएं कम से कम 1500 से 2000 ईसा पूर्व तक की हैं। हिंदू धर्म प्रमुख रूप से भारत, नेपाल और इंडोनेशिया में प्रचलित है। हिंदू धर्म की स्थापना के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन इसकी शिक्षाएं आस्थावानों के जीवन के लगभग सभी पहलुओं को गहराई से प्रभावित करती है। हाल के वर्षों में हिंदू धर्म के कुछ पहलू पश्चिम में लोकप्रिय हो गए थे, जैसे कि दोस्तों योग का अभ्यास, साथ ही बीमारी की पहचान और इलाज के चक्रों का उपयोग करना, ये सभी उसमें शामिल है। खैर दोस्तों, बात धर्मों की नहीं है, बात तो एकता की है। अगर हम एकता बनाकर रखेंगे तो सभी धर्म एक समान है, क्योंकि कोई भी धर्म हमें गलत शिक्षा तो नहीं देता। इसीलिए दोस्तों, हमेशा एकजुट होकर रहिए और धर्मों के नाम पर लड़ना अब बंद कर दीजिए। इसी के साथ वीडियो में बस इतना ही। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।